हाँ कुछ चीजें हैं जिससे पता चल जाता है। ओए सब लोग शूट करता हूँ थोड़ा सा अवॉइड किया करो ना ऐसे नेगेटिव लोगों को जो लोग। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस आज क्या है, संडे का दिन है तो जा रहा हूँ मैं निधि के पास जा रहा हूँ, निधि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। यार कल मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी जिसमें वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मैं आपको उसके रीजन बताता हूँ क्या रीजन है, किस वजह से ये सब चीजें हो रही है। चलते हैं अभी निधि के पास, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। वैसे एक बार इसकी हालत देख लो, एज इट इज खड़ी है, वॉश नहीं करवाई, काफी टाइम हो चुका है। देखना गाइस, ये शायद इसके फादर लग रहे हैं। नहीं मम्मी फादर हैं। हाँ कुछ चीजें हैं जिससे पता चल जाता है। ओए दूध दिया था मम्मी इसको, वो कहनी थी कहाँ? अभी मार्केट तक गए बेटे यहाँ से। और व्यान क्या? व्यान क्या? सो रहे हैं। सो रहे हैं। क्या वो रात को क्या हुआ निधि को? निधि को क्या हुआ? इमोशनल हो रही थी। अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है। पर मैं इससे व्यान से मिलने आया था और ये सो रहा है। हाँ अभी सो रहे हैं ना मम्मी? ठीक है चलो कोई नहीं। क्या अब क्या ठीक है निधि? तो यार मैं तो आपको जो चीज कह रहा हूँ थोड़ा सा अवॉइड किया करो ना ऐसे नेगेटिव लोगों को जो लोग। यही किया मैंने, कहीं फिर हम तो इसने टाइम से दिन दे भी चलने कुछ भी, हम तो जैसा जितना हम उसमें अब ठीक है, भगवान ने रोटी दे रही फ्रूट दे रही सारी चीज दे रही। तो मतलब रीजन अभी भी वही है और क्या, वो बच्चे के बारे में सोचे जा बैठी है। ठीक है चलो, आज सवेरे वीडियो बनाई है। आपके मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो उससे पहले आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, कुछ बता देता हूँ। कल क्या है, मैंने भी निधि का वीडियो देखा था, निधि इमोशनल हो रही थी, रो रही थी, मैंने मैसेज भी किया उसको रात को भी, मम्मी को भी, मतलब कॉल वॉल किया। बट क्या है, लोग चाहते हैं कि अपना मी टाइम स्पेंड करना, तो ठीक है मी टाइम भी जरूरी है यार। बट क्या है, जब तक आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करोगे किसी भी चीज़ में तो यार सोल्यूशन कैसे निकलेगा किसी भी चीज़ का। तो ठीक है यार, अगर फैमिली में कुछ होता है, कुछ इश्यूज वगैरह लगते हैं या कुछ भी, लेकिन ये जो फैमिली होती है ना, ब्लड रिलेशन होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी मोड़ हो, कैसा भी मोड़ आए। एक सेकंड गाइस, क्या है, शायद निधि का ना कोरियर आ गया है, कोई कोरियर वगैरह उसने मंगवाया होगा, तो शायद मम्मी बोल रहे हैं कुछ, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। 2500 रुपए दे रहे। अच्छा क्या कोरियर वाले के? क्या मेरे पास पड़े हैं, एक बार मैं देता हूँ। ठीक है गाइस, एक बार मैं कोरियर ले लेता हूँ, कोरियर वाले भैया से काउंट कर लो। क्या नहीं नहीं काउंट कर लो, अरे मैं ब्लॉग शूट करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टाइम से निधि थोड़ा लो फील कर रही है, थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाती है, थोड़ा सा रियल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं वो किसी को भी नहीं पता होता, किसी को भी आइडिया नहीं होता। और कुछ लोग क्या है यार, कमेंट्स कर देते हैं, मजाक भी बना देते हैं। तो यार मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अभी जो निधि की कल की वीडियो है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। निधि काफ़ी टाइम से लो फील कर रही है, उसका रीज़न क्या है। अभी थोड़े टाइम पहले निधि से कोई मिलने आया था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो यार पहली बात तो तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, जो इंसान जो लोग 2 दिन पहले तुम्हें कह रहे हैं तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे हम, मम्मी को ये बात बोल रहे हैं कि तेरे दोनों बेटे ख़त्म हो जाएं, ये होएगा वो होएगा, तो यार मैं तो देख भगवान पे विश्वास रखता हूँ, जितनी उसने लिखी हुई है ना उससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझो कि तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी कोई बात बोल के गया, मुझे तो कल पता चली है, मतलब ये अभी जस्ट वीडियो देख के पता चली है कि ऐसी भी कोई बात हुई है, तुमने कभी बताया क्यों नहीं यार, ऐसी चीज़ें क्यों अपने तक ही सीमित रखती हो, बताओ यार, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी फैमिली है। और यार ये क्या होता है, मतलब चलो मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई। अभी थोड़े टाइम पहले निधि से कोई मिलने आए थे, आपने देखा होगा। और क्या हुआ था, मुझे उस चीज़ से मुझे पता था कि यार कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, बोल के जाएंगे जो निधि को अच्छी नहीं लगेंगी, निधि जिससे स्ट्रेस में आएगी, निधि परेशान होएगी। तो मैं इसलिए सुबह ही जिस टाइम मुझे पता चला, मैंने अपडेट देखी थी, तो मैं यहाँ निधि के घर पे आ गया था। बट मुझे क्या है, मुझे यहाँ से भेज दिया गया कि नहीं तू जा, निधि ने भी मना किया, पापा ने भी, कि तू यहाँ मत आ, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो भाई मेरा स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब मैं सुनता नहीं हूँ यार, थोड़ा सा ठीक है, जहाँ अपन गलत नहीं है तो वहाँ पे किसी की सुननी भी नहीं चाहिए, तो ठीक है। इसलिए मुझे बोल दिया गया था कि भाई तू मत आइयो, और मुझे मैं चला गया, ठीक है, मुझे बोल दिया गया कि हाँ तू मत आ खामा खा कोई, क्योंकि यार वो लोग सीरियसली मुझसे पता ही नहीं क्यों नफरत ही करते हैं, मतलब मेरे से तो बेवजह की ही है। जो लोग मतलब कि दूसरों की इन चीज़ों से जलते हैं यार, कि उसका लाइफस्टाइल देख के वो, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए कभी भी। तो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ
इसलिए उनके कहने पे मैं नहीं गया। फिर ये बातें हुई मुझे को आज वीडियो में पता चल रही है। और क्या हुआ था, पूरा दिन मैंने बाहर शाम को स्पेंड किया, कहीं बाहर चला गया था कि मतलब ताकि अवॉइड ही कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि वो रात को रुकेंगे, मतलब वो सेम डे मुझे लगा मिलके चले जाएंगे, बट क्या है वो जब मैं मेरे घर पे गया तो वहाँ पे मुझे मिले तो ठीक है, जेंट्स थे जो मिले मेरे से मिले। और मेरे यार क्या है, संस्कार ऐसे नहीं है कि मतलब चाहे आप लोगों ने कितना भी गलत किया हो, कुछ भी किया हो, बट मैं आपसे अच्छे से ही बिहेव किया। मैंने आपको प्रणाम किया और आपसे बातें हुई, जो आप इमोशनल हो रहे थे, ठीक है इमोशनल मैं भी हो गया था कि भाई आपने भी बेटा खोया अपना, तो यार मुझे भी बुरा लगा उस चीज़ का। और मेरी सहानुभूतियाँ हैं, उस चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते, जितना वो लॉस आपके लिए है उतना ही हमारी साइड से भी है, हमारे लिए भी है। बट यहाँ अब आपकी कुछ चीज़ें जो थी जो गलत लगी, जो बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने बोली कि ना अभी हम थोड़े टाइम से, हम तो 8-9 महीने से घर पे ही बैठे थे इसलिए ये सब चीज़ें हुई, और ना अभी हमने दोबारा ज्वाइनिंग करी है जहाँ पे भी आप काम करते हो, हम विहान के लिए ही कर रहे हैं दोनों फैमिली। तो दोनों फैमिली में आपने जो नाम लिया तो यहां से तो सब कुछ दिखाई देता है कि विहान के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आपकी साइड से क्या दिखा, आपने अभी तक क्या किया जो विहान के लिए मतलब पता हो कि विहान को मिल रहा है, आपकी तरफ से एक फूटी कोड़ी नहीं मिली, ठीक है वो आपकी साइड से, चलो बच्चे के लिए नहीं, बट मैंने इनको एक बात बोली इनडायरेक्टली कि थोड़े टाइम में मे भी हो सकता है मेरी शादी के बाद हम गुड़गांव शिफ्ट करेंगे तो मैं वहाँ फ्लैट लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि निधि के लिए भी एक फ्लैट ले लूँ, और थोड़ा यहाँ वहाँ से पैसे वैसे मिला के तो निधि के लिए भी एक फ्लैट ले लूँ। तो मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप बोलोगे कि इतना तो बोलोगे एटलीस्ट कि हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे, चलो हिस्सा निधि अपना ही हिस्सा नहीं मांग रही है जो उसके साथ हुआ, बट एटलीस्ट ये तो बोलोगे बच्चे के लिए कि हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे। बट आपने क्या बात बोली मुझे बहुत फनी लगी मतलब आपने सिर्फ ये बात बोली कि चलो ठीक है वहाँ हो जाओगे तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा, विहान से मिल लिया करेंगे हम। तो गाइस ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी मुझे, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। और उसके बाद भी कुछ हमारी बातें हुई थी जो मैं यहाँ नहीं लेके आना चाहता, जो टाइम अगर आया, अगर दोबारा से अगर कोई बात आती है आपकी साइड से या कुछ ऐसा होता है तो मैं सारी बातें खोल के रख दूंगा अच्छे से, क्योंकि अब यार मेरा प्रोफेशन ही ये है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो हर चीज़ दिखानी पड़ती है ना कि हाँ सबको पता होना चाहिए कौन कैसा है क्या है। तो मैं बाकी सबकी भी जो चीज़ें हैं, जो गलतियाँ करी थी या जैसे भी, वो सब चीज़ें भी मैं भी रख दूंगा यार जो तुम लोग अभी कर रहे हो। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ निधि अकेली नहीं है। और आज वाली जो वीडियो देखी अभी मैंने देखा कि हाँ किसी ने ये बोल के गए कि हाँ विहान की कस्टडी ले लेंगे यार एक बार बोलता हूँ ठीक है आपकी फैमिली में है वकील हैं, मेरी फैमिली में भी है वकील, मेरे मामा हाई कोर्ट में हैं, तो इसका मतलब बस ये हो सकता है वहाँ पे कि वो अगर मेरा केस लड़ रहे हैं तो हमसे फीस नहीं लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा यार कि मतलब वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे कि आप फैमिली मेंबर हो गए, नहीं यार ये हमारा फैमिली मेंबर है, इसके लिए रूल ही अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो आपसे फीस नहीं लेंगे इतना हो सकता है, बट आपको वो ये थोड़ी है कि कानून के दायरे से बाहर जाके काम करेंगे आपके लिए। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि बच्चे पे राइट सिर्फ मदर का होता है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि आप किसके पास कहाँ रहना चाहते हैं, उसके बाद वो अपने डिसीजन ले पाएगा। तो ऐसा आपने बोला जो बहुत गलत बात बोली, ऐसा नहीं है, आप कानून जाके पढ़ना कभी भी गूगल कर लेना यार, गूगल पे बहुत इजीली मिल जाता है, यूट्यूब पे ही आपको समझ आ जाएगा। और सिर्फ निधि के साथ ये फैमिली नहीं है, निधि के साथ अब यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है, पूरे देश का सपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड देखा है कि किसने उसके साथ गलत किया, किसने उसके साथ अच्छा किया, सब चीज़ें तो हर कोई जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ आपने बोली तो वो काफ़ी गलत बोली कि हाँ मतलब मुझे नहीं पता आपने किस वे में बोली। अब आपको छोटा सा एग्जांपल ये बता देता हूँ, निधि अगर चाहे ना, मेरी मान लो निधि से बहस हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, निधि चाहे ना तो मुझे भी रोक सकती है बच्चे को टच करने से, कि मतलब बच्चा उसका है, उसी का राइट है, अगर वो नहीं चाहेगी तो मैं विहान को मैं भी नहीं छू सकता हूँ। तो यार आप तो कहाँ से क्या बातें कर देते हो यार। तो ठीक है बस मैं इतना ही बोलने आया था, अब दोबारा ऐसा मत करना, मतलब कि ठीक है सबके पास पावर होती है, सबके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगी तो शायद आपको और अच्छा नहीं लगेगा। अपनी लाइफ में निधि मूव ऑन कर रही है तो उसे मूव ऑन करने दो, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में रहो यार, अब क्या है क्या लेना देना या कुछ भी, अब निधि है निधि, उसको कैसे टैकल करती है, कैसे जल्दी मूव ऑन करती है, हम निधि के साथ हैं हमेशा रहेंगे, ठीक है, तो उसको कभी अकेला मत समझना, हम साथ हैं, पूरी फैमिली साथ है और पूरी यूट्यूब फैमिली निधि के साथ है। तो बस अभी इस वीडियो का मैं यही एंड कर रहा हूँ, बस पॉजिटिव रहो, संडे का दिन था तो अभी निधि के पास आया था टाइम स्पेंड करने के, उससे मिलूंगा, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, बट अभी वो मार्केट गई हुई है तो बस विहान सो रहे हैं।
तो बस इस वीडियो का यही एंड कर देता हूँ। बस एक ये मैसेज था कि आप तक पहुँच जाएगा, मिल जाएगा, और YouTube फैमिली है वो पूरा सपोर्ट कर रही है। गाइज अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।